वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह महाराज जी की बख्शिश का सदका संत भाई खुशहाल सिंह जी गुरमत विद्या खोज केंद्र माड़बाग जिथे जरूरतमंद बच्चों वास्ते गुरमत विद्यालय अते दुनियावी विद्या का प्रबंध किया गया है। गुरु महाराज कृपा करन बख्शिश करन रहमत करके अपनिया सिख संगत अपनी असीसा उन्हां जरूरतमंद बच्चों वास्ते असी सारे रल मिल के उन्हां दी विद्या दा उन्हां दा हर तरह का जिहड़ा प्रबंध है करिए। जिहड़ी सेवा गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सानू दसी है समझाई है वह सेवा असी वध तों वध चढ़ीए। 9 तरीक नूं माड़बाग विखे सिख कौम की महान शख्सियत SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह जी तामी विशेष तौर पर इस उद्घाटन समागम में पहुँच रहे हैं। संगतां नूं बेनती है कि वध चढ़ के वह 9 दसंबर नूं माड़बाग विखे गुरमत विद्यालय विखे पहुँच के गुरु पातशाह महाराज जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी इत्थे माड़ दी धरती विखे जम्मू असी पहुँचे हैं जिथे कि संत तेजवंत सिंह जी जो कि डेरा संत बुरा डन्ना दे मुखी ने और सिखी दे प्रचार अते प्रसार दी जो सेवा लगातार कर रहे ने। दरअसल ये जो साडे डेरे जम्मू कश्मीर दे विच जो इतिहास है आप जी नूं पता है ये सिखी दे प्रचार और प्रसार वास्ते ही बने सन। और मैं आप जी नूं दस दियां कि छतर कलास जो इलाका सी उत्थे जो पाकिस्तान दे विच रह गया साडा जम्मू कश्मीर उत्थे ये जो वड्डे महापुरुष संत भाई रोचा सिंह जी उन्हां भी उत्थे अपने शुभ चरण उत्थे पाए सन और लगातार जो सिक्खी का प्रचार प्रसार अगे जो सेवा करते आ रहे ने उस लड़ी दे विच संत तेजवंत सिंह जी ने पिछले कुछ समय तो ये एक उन्होंने एक जो प्रोजैक्ट जिहड़ा आरंभिया कि भाई इत्थे मढ़ दी धरती विखे जिथे वह खुद रहिंदे सन ये सारी अपनी घर की जमीन जो उन्होंने इस नूं दे के ये गुरमत विद्यालय जिहड़ा खोलिया है। और मैं समझना कि यह जम्मू कश्मीर दे विच एक पहला ऐसा उपराला है जिथे साडे बच्चों नूं गुरमत विद्या दे नाल दुनियावी विद्या भी जिहड़ी है वह मुफ्त दी जाएगी। ये पहला उपराला जम्मू कश्मीर दे विच और मैं समझना कि इस चीज़ की बड़ी लोड़ आज साडी सिख कौम नूं और जिस तरह के अज हालात ने जो साडी दशा है उसके मुताबिक साडा जिहड़ी इह श्रेणी है जिहड़ी साडी प्रचारक श्रेणी है जो साडे ग्रंथी सिंह ने जो साडे रागी सिंह ने जो साडे प्रचारक ने अगर वह वाकया ही अज क्योंकि डिजिटल युग है अज दुनिया डिजिटल युग है अगर साडे वह वैल क्वालिफाइड भी होणगे मैं समझना कि वह बड़े बेहतर तरीके नाल सिक्खी का प्रचार प्रसार और जिहड़ी मनोबिरति है अज की उहनूं समझ के वह सिक्खी का प्रचार और प्रसार कर सकणगे। और संत तेजवंत सिंह जी का यह बहुत अच्छा उपराला है इत्थे मढ़ दी धरती विखे परसों इसका उद्घाटन हो रहा है विद्यालय का जिसनों कि इन्होंने संत भाई खुशहाल सिंह जी जो एक इस लड़ी दे विच एक बुजुर्ग सन उन्होंने नाँ ते रख्या है और बाकायदा इस नूं एक खोज केंद्र का नाम ही दिता है कि असी समझदे हां कि जिथे बच्चे आ के वो खासकर वो मैं समझना कि यह जरूर होना चाहिए कि जिहड़े साडे कुछ ऐसे परिवार ने कोई साडे गरीब लोग ने जिहड़े पढ़ नहीं सकते अगर वो लोग इत्थे आ के दुनियावी विद्या भी मुफ्त लैणगे नाल वो गुरमत दे धारनी हो के एक एक प्रचारक भी बनणगे तो मैं समझना एक बहुत वड्डी है एक बड़ी वड्डी गल है। सानू सारयां नूं चाहिए कि अजिहे उपराले जिहड़े ने उन्हां सारयां नूं सानू असी एनकरेज करना चाहिए असी संतां नूं आ के तनो मनो तनो असी उन्हां नूं असी एनकरेज करिए ताकि जो साडी सिक्खी का प्रचार प्रसार है जम्मू कश्मीर दे विच वो तेजी नाल हो सके और मजबूत हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे उस खूबसूरत जगह पर खड़े हाँ जिथे कि किसी वेले संत गुरबख्श सिंह जी डन्ना जी की रिहायश होती सी ते उन्हां दी एक विचारधारा नाल ख्याल यह सी कि असी एक कौम वास्ते कोई ऐसी चीज़ बना के दईए जिस दी अजकल लोड़ है इस युग के सानू लोड़ है बहुत ज़्यादा। तो वह कहिंदे सन कि अध्यात्मक पढ़ाई वास्ते एक बहुत अच्छा गुरमत विद्यालय बनाओ जिथे बच्चे आके गुरबाणी कीर्तन विचार कथा वगैरह के नाल ही फिक हिस्ट्री नूं पढ़ सकन ते रिसर्च कर सकन। उन्हां दी इस गल नूं सिरे चढ़ाया संत तेजवंत सिंह जी उन्होंने जिहड़े इस वेले डेरा
संतपुरा डन्ना के मुखी ने वो विचारधारा जी उन्होंने अगे तोरी उन्होंने रिहायश से उन्होंने प्लेन किया उन्होंने जिस तरह उन्होंने सुरगवास होने तो पहले जो विचार सन उन्होंने उसको मुख रखद खाली करके जगह पर इस जगह खूबसूरत जगह तुम देख रहे हो अजो बनी है। नाल नाल ही संत गुरबख सिंह डन्ना जी की एक होर सोच सी कि जिते एक संसार जीवन जीने सानू अध्यात्मक एजुकेशन की लोड़ है उत्थे नाल नाल संसारिक एजुकेशन की भी लोड़ है जी फॉर्मल एजुकेशन है उस वास्ते एक स्कूल खोलिया गया एस जी एस जी इंटरनेशनल स्कूल दुमाणा जिसमें तुम देखे होना कई बार ताकि बच्चे अध्यात्मक पढ़ाई भी लै सकन ते अज दे युग की जो पढ़ाई है उन्होंने लै सकन वो स्कूल जिहड़ा अज दी रेट च सी बी एस ई स्कूल बन गया ते साढ़े कोल तकरीबन 550 तो उपर इसलिए बच्चा उत्थे पढ़ रहा और बड़ी अच्छी म्यारी एजुकेशन दी जा रही है। इस जगह का मनोरथ सिर्फ यही सी कि अजकल साडे नौजवान साडे बच्चे गुरु घरां तो गुरु ग्रंथ साहब तो पंजाबी तो दूर होते जा रहे हैं। कोशिश बड़ी है हर गुरुद्वारे तकरीबन पंजाबी पढ़ाई जाती है बच्चों लेकिन एक सिस्टमिक वे नाल नहीं पढ़ाई जाती उस सिस्टम असी सिस्टम बना के नहीं पढ़ाते आए बच्चे पढ़ लिया नहीं पढ़िया कदे आ गया टीचर पढ़ाना कदे नहीं आया कुछ आ गया तो उस तरह चल रहे इतने सोचा गया कि साढ़े को ऐसे भी कई बच्चे ने गरीब परिवार ने अंडर प्रिविलेज लोग ने जिन्हें बच्चे शायद एजुकेशन अगर नहीं जा सकते उन्होंने असी अगर इस पास लाइए यही किरत करन हो ये बड़ी वो किरत है ऐसी कोई जगह गल नहीं है कि साढ़े को अज कमी है किसी चीज़ की साढ़े समाज तो इस वास्ते किया कि असी दो कैटागरीज बनाइया एक तो वह बच्चे जेड़े ये नहीं करना चाहते दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते किसी और कारणवश उन्होंने इतने स्पिरिचुअल पढ़ाई दी जाए अच्छे साढ़े को टीचर आन अच्छे साढ़े को कथावाचक आन अच्छे प्रचारक आन उन्होंने असी उन्होंने इंटरैक्ट भी कराइए तो इतने भी परमानेंट एक ऐसा कोई प्रचारक रखिए जोड़ा बच्चे की देख रेख कर सके वह बच्चे जोड़े हो सारा इतने फ्री पढ़न उन्होंने वास्ते होस्टल फैसिलिटीज लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ फ्री होएगा कपड़ा फ्री हर एक चीज़। दूजी कैटेगरी वो है वह बच्चे ने हर बच्चे की हर पेरेंट की ख्वाहिश होंगी कि साढ़े बच्चे पढ़न भी नाल वह बच्चे ने जोड़े पढ़न भी नाल उन्होंने वास्ते स्कूल फ्री होएगा ले जाना इतों वापस ले आना इतने होस्टल रहने का खर्चा सारा सारे किताबा उन्होंने हर एक चीज़ इतना मुहैया की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश ये है कि शुरू असी घट गिनती के बच्चे वो रखिए जो इतने गुरमत सीखे क्योंकि ज़्यादा कोशिश बच्चों की होगी कि असं पढ़ाई भी नाल करिए जो पढ़ाई करेंगे वो इतनी गुरमति विद्या भी सीख सकेंगे उन्होंने वास्ते दो काम दो ऑप्शन खुले ने लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ सकते या किसी कारण उन्होंने वास्ते तो इस चला वास्ते हम संगत का सहयोग चाहिए वो बहुत जरूरी है कि संगत के सहयोग तो बगैर कोई काम नहीं हो सकता कि फाइनेंसिस इनवॉल्व ने असी चाहते हैं कि असी कोई प्रचारक ऐसा रखिए सिखाने वाला या होस्टल का वार्डन ऐसा रखिए जिहड़ा अच्छा गुणी ज्ञानी होए जिहड़ा बच्चों की देखभाल कर सके डिसिप्लिन रख सके बच्चों साडा पहला जिहड़ा मतलब बच्चों लड़कियां असी पढ़ाना लड़कियां नहीं हाले रखनी असी क्योंकि असी बड़ा डिफरेंट जिहा विषय है तो वो ऐसा रखिए असी अच्छी तरह पे करिए क्योंकि हर जगह पर असी सुनते हैं कि जी अजकल ग्यारियां पाठियां सिंघां कीर्तनियां असी नहीं देंगे इन्नी फैसिलिटी उन्होंने बच्चे इस पास नहीं आते लेकिन जो असी इतने रखिए कोई बच्चा बंदा ऐसा जिहड़ा सिखलाई भी दे सके आप भी सूझवान होए उदों असी चंगी तरह दे सकीए साड़ी यही सी कि असी अच्छी तो अच्छी सैलरी दे सकी जिस नाल एक परिवार पाल सकदा नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं उसका इंट्रस्ट भी नहीं होएगा जे कोई घट वाला होएगा तो घर खुद चलाएगा कि अपना इंट्रस्ट इतने देगा नहीं दे सकता क्योंकि दुनियावी इस ही चलना सोसायटी नाल भी चलना है तो इस करके कोशिश ये है कि जिहड़ा भी इतने आए उन्होंने असी पूरी तरह नाल सन्मान पूर्वक रखिए तो वह खर्चा बेयर करिए। दूजी गल कोशिश ये है कि साढ़े को जगह बहुत है असं चाहते हैं कि हर दूजे तीजे महीने एक गुरमत का कैंप इतें ही लगाया जाए इतने कैंप लगाया जाए स्कूलों के कंपीटिशन हो अपना डिबेट्स हो सिंपोजियम हो साढ़े को जगह अंदर भी बड़ी है बाहर भी बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं यही जगह सानू कहीं होर नहीं मिलती गुरुद्वार फैक्ट तुम्हें दस रहे हैं तुम जिते मर्जी चले जाओ कोई तुम्हें हाल नहीं मिलता गुरुद्वारे का हाल दे देंगे लेकिन एक सिंपोजियम करना या डिबेट करनी गुरु साहब के हाल में नहीं हो सकती कई बार कई बार कुछ खोलते हैं बच्चे कुछ खोलते नहीं तो बाहर कर सकते हैं इस हाल कर सकते हैं कि महाराज प्रकाश उपर है जो बच्चों की चोन होएगी जो तुम कह रहे हो कि नेड़ी बच्चे इतने हाँ जी हाँ जी बच्चों की जी चोन है उसका प्रोसीजर की होएगा और कि इलाके देखो जी इलाके की कोई कंसीडरेशन नहीं क्योंकि होस्टल का कमरे बनाए नहीं इतने आके रह सकते सारे को पहली गल दूजी गल कि असी डिस्ट्रीब्यूशन की है वर्क की असी गुरमत विद्यालय में चलाने के एक काम की एक तरतीब बनाई है असी एक धार्मिक बोर्ड बनाया कुछ बंद जो धर्म जुड़े देने उन्हों का काम है
बच्चों तुसी सिलेक्ट करना। दूजा है एडमिनिस्ट्रेटिव, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन देखनी, एडमिनिस्ट्रेशन वाले ने यह इंश्योर करना कि जो बच्चा साढ़े को आया जो लोड़वंद है कि नहीं है, किन्ना को लोड़वंद है, किन्ने को पेरेंट्स कर सकते, वह साड़ा काम है देखना। तो धार्मिक बोर्ड का काम है उन्होंने किस तरह असी पढ़ाना है, की शिक्षा देनी, उनका सिलेबस की है, उन्होंने एग्जाम किस तरह लेने ने, उन्होंने कौन सिखलाई देगा, उन्होंने बाहर प्रचार किस तरह आके इंटरैक्ट करेंगे, ये धार्मिक बोर्ड का काम है, उन्होंने विषय डिफरेंट है। बोर्ड बन गया जी, एडमिशन असी जड़िया ने वह मार्च सैशन शुरू करा, क्योंकि वह एजुकेशन भी लगेगा, दो काम आने। तो उस तो पहले असी फॉर्म वगैरह वो कढ़ांगे, फॉर्म आएंगे साढ़े कोल, उन्होंने पड़ताल करांगे, धार्मिक बोर्ड भी बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी बैठेंगे, असी आप ये देखांगे कि वाकई बंदे नूं लोड है, लोड़वंद है। असी कल दे पेपर दे विच साड़ी एक ऐड आ रही है, काफ़ी वड्डी ऐड आई, उहदे थले नंबरस वगैरह दिते हुए ने, सारे फोन नंबरस वगैरह, कंटैक्ट नंबर, बाकी इत्थे असी बहुत जल्दी एक वार्डन बिठा देंगे, फॉर्म्स विल बी अवेलेबल, इत्थे अवेलेबल करा देंगे, हर चीज़ मिल जाएगी, जानकारी जो भी साढ़े को ला ला सकते जानकारी किसी वेले। एडमिशन जो होएगी बच्चों की क्या इसी साल ही होएगी या हर साल होया करेगी? देखो जी, इस तरह है कि जिहड़े ते बच्चे स्कूल पढ़ने ने साढ़े को, छेवीं सत्तवीं अठवीं ते नौवीं दे बच्चे असीं लै रहे हैं, ठीक है जी, उन्होंने बच्चों ने तो कंटीन्यूअस पढ़ना ही पैना ना अगे भी, जो छेवीं आया सत्तवीं पढ़ना अठवीं पढ़ना, जिहड़े ते 10% बच्चे ने वो साल बाद निकल जाएंगे साढ़े को, जिहड़े बच्चे सिर्फ धार्मिक विद्या लै रहे हैं उन्होंने सिलेबस इस तरह का बनेगा कि वो एक साल के विच अपना काफ़ी कुछ कर लेंगे, वो जगह खाली हो जाएगी, उत्थे होर पढ़ लाँगे, जिहड़े वो बच्चे ने पढ़ाई वाले उन्होंने कंटिन्यू करना, जिहड़ा नौवीं पास हो जाएगा उसकी जगह छेवीं बच्चे आ जाएंगे, साढ़े को जगह बड़ी है जी, उपर हॉल बन सकते, उपर कमरे बन सकते, होर भी बन सकते हैं, जगह की कोई कमी नहीं है, जगह जे सानू हंगारा इस तरह मिलेगा कौम वालों तो होर बनाने की देर लगती है, सानू तिना साल असीं इत्थे पुज गए। शुरुआती असीं 30 बंदे लै रहे, 30 बच्चे लै रहे, उसके बाद वधदा जाएगा, 30 बच्चे लै रहे हैं।